तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों 2022 का साल ऑलमोस्ट खत्म होने को है और ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। बॉलीवुड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस सपने को भूलना चाहेगा, क्योंकि इस साल बॉलीवुड मूवीज का हाल बॉक्स ऑफिस पे क्या हुआ है वो तो बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड मूवीज बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल ही फ्लॉप हो रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुपरहिट की गारंटी देने वाले एक्टर की भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिर रही है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों रीजन नंबर वन है रीमेक। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड में हर 10 में से 5 मूवीज किसी ना किसी मूवी की रीमेक होती है या फिर किसी ना किसी से इंस्पायर होती है। किसी मूवी से इंस्पिरेशन लेना तो ठीक है, लेकिन पूरी की पूरी मूवी वैसे की वैसे छाप देना वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है। तो बॉलीवुड को ओरिजिनल कॉन्टेंट लाने की जरूरत है, चाहे भले कम मूवी आए लेकिन जो भी मूवी लेके आए वो ओरिजिनल हो। जितना हो सके उतना रीमेक मूवी कम बनाए। अगला पॉइंट है रीजनल मूवी का धमाल। आप मानो या ना मानो लेकिन रीजनल मूवी जो बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है उसे देखने के बाद हर किसी का परसेप्शन चेंज हुआ है। रीजनल मूवी कम बजट में भी हमें ज्यादा मजा दे रही है, साथ ही उसका कंटेंट भी ओरिजिनल होता है, तो लोगों का रीजनल मूवी की तरफ झुकाव थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है और वो जायज भी है, जिसकी वजह से बॉलीवुड मूवीज की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक कम हुई है। तो दोस्तों रीजन नंबर 3 है OTT। आजकल हर कोई जानता है कि 45 या 60 डेज के बाद कोई भी बड़ी मूवीज OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, तो उसे देखने के लिए उतने पैसे क्यों खर्च करें जितने पैसों में आप पूरे महीने का एंटरटेनमेंट खरीद सकते हो। एक मूवी की टिकट में आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसका पूरे महीने तक मजा ले सकते हो, और इसीलिए लोग थिएटर में कम आ रहे हैं और जिसकी वजह से बॉलीवुड मूवीज को बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा है। मे बी इसके लिए मूवी के मेकर्स और थिएटर ओनर्स को कुछ सोचना पड़ेगा। रीजन नंबर 4 है कोविड। ये बात 110% सच है कि कोविड के बाद लोग थिएटर में जाके मूवी देखना बहुत ही कम पसंद करते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ घर पे बैठ के मूवी देखना पसंद करते हैं। अगर कोई मासी मूवी हो या फिर थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी हो तो ही लोग अपने घर से बाहर निकल के थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए बॉलीवुड को मास एंटरटेनर और बड़े थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवीज बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पब्लिक को थिएटर तक खींचा जा सके। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है बॉलीवुड का ओवर कॉन्फिडेंस। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बुरी हालत का सबसे बड़ा रीजन यही है। आजकल बॉलीवुड में कोई भी कैसे भी मूवी लेके आ रहा है और उनको तो लगता है कि पब्लिक तो सी से चमन है, उनको जो दिखाएंगे वो देख लेंगे। तो भाई साहब अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलेगा। पब्लिक मांगती है फुल इज्जत और उनको चाहिए कॉन्टेंट। तो पब्लिक को सी से चमन बनाना बंद करे और कॉन्टेंट पे ध्यान दे तो मूवी अच्छी भी होगी और हिट भी होगी। तो दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और आपका इस पे क्या विचार है वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बन रही है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही कम है। उसके खिलाफ अगर रेशियो देखे तो 100 में से 10 मूवी ही अच्छा काम कर रही है। तो बॉलीवुड को क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।